एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आपका चिश ब्यूटी व्लॉग्स में बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक व्लॉग, छोटा सा है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की है मैंने आपके साथ। अभी मॉर्निंग है, यहाँ पर साइड में एक तरफ चाय बन रही है और एक तरफ बन रही है सब्ज़ी, जो कि है आलू मटर गोभी की सब्ज़ी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने एग बॉयल किए हैं एग खाने के लिए, और साथ में है चाय गर्मा गर्म अदरक वाली। तो बस ये ले रही थी मैं, और उसके बाद मैं व्लॉग को स्टार्ट कर दिया मैंने अपना, थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने के बाद में। और यहाँ पर सब्ज़ी पूरी रेडी हो चुकी थी, उसके बाद में मैं आ गई अपने रूम में। और मुझे एक पैक लगाना था जो कि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है ऑलरेडी, एंड उस पैक को मैं लगाने वाली थी। उसमें मैंने एप्लीकेशन नहीं दिखाया था, तो कई बार ऐसा होगा कि जो एप्लीकेशन वहाँ नहीं नज़र आएगा ना, आप लोग प्लीज़ व्लॉग चैनल भी चेक कर लिया करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी एप्लीकेशन होगा वो यहाँ भी डालती रहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मॉर्निंग में फिर मैं एप्लीकेशन कर रही थी, एंड उसके बाद में फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो इसको मैंने कम से कम एक घंटे के लिए रहने दिया था अपने हेयर पर। एंड आप बोलेंगे कि इतनी सर्दी में दी आप एप्लीकेशन? यस डियर, हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आगे देखना आप छत पे, मैं जाकर इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए हर चीज़ में जो भी लगाती हूँ वो दिन में ही लगाती हूँ, ठीक है, धूप में। एंड आप लोगों को पता नहीं है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस मेरा दो चैनल है, जिस जो कि एक है चिश ब्यूटी एंड एक है ये व्लॉग्स वाला। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मेरी दोनों सिस्टर वो भी एप्लीकेशन कर रही थी, एक लगा रही है सिर में टोनर एंड एक लगा रही है कैरोट ऑयल, बिकॉज एक को हो रहा था डैंड्रफ और एक को हो रहा था हेयरफॉल। तो मैंने दोनों को रेमेडीज दी थी बनाकर, तो दोनों यही यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो मेरी DIY मैं अकेली यूज़ नहीं करती, हम लोग सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ये एप्लीकेशन अपना कर रही हैं। एंड इसके हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं नहाकर आ गई हूँ और अभी मॉर्निंग है एंड सब कुछ काम कर लिया है जो डेली रूटीन होता है वही, एंड आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो शूट की है, तो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। I mean कल या परसों तक, या हो सकता है इस व्लॉग से पहले ही चली जाए। अभी मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा, मतलब एक व्लॉग आता है, एक वीडियो आती है व्लॉग के लिए, फिर 4-5 दिन का गैप हो जाता है। तो जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आऊं, ठीक है। एंड अभी बालों को मैं पूरा नहीं सुलझा रही हूं, बिकॉज हल्के से वेट है ना, इसलिए। तो आप लोग भी जब भी हेयर को वॉश कर लेते हैं, तब जब तक कॉम्ब को बालों में नहीं डालना, जब तक कि पूरे बाल ड्राई नहीं हो जाए, ठीक है। और क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्यों बोल रही हूँ ये सब, क्योंकि इस पर एक वीडियो मैंने बनाई थी जो कि मेरे चैनल पर है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देख लेना, और जल्दी ही मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगी उस चैनल के लिए, ठीक है। एंड हल्का सा मैंने बहुत ही लाइट वाला हल्का फुल्का बस जस्ट एक टचअप किया है अपने फेस को, एंड अभी सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, एक दो वीडियो और शूट कर लेती हूँ। बट उससे पहले मुझे करना है लंच, क्योंकि अब जब मैं मॉर्निंग से ही सारे काम कर रही थी ना, तो अभी बच गया है 2 I think, हाँ। तो अब मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा वाली, तेज वाली, तो अब मैं लंच करने वाली हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। मैंने ली है गट्टे की सब्जी है, रोटी है, आलू की चिप्स है और नैन कपाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अभी तक रखे हैं, जब हमने 100 के सेलिब्रेट किया था, मेरा मन ही नहीं हो रहा इसको हटाने का इसलिए एज इट इज है, अभी काफी अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही है, इसलिए मन नहीं कर रहा इसको हटा दूं मैं। और पीछे आप देख रहे हैं व्हाइट, ये व्हाइट कर्टन बहुत ही अमेजिंग है ये, इसकी एक प्रॉपर वीडियो आएगी चिश ब्यूटी चैनल पे, है ना, आप लोग जरूर देखना। व्हाइट कलर के हैं, मैंने व्हाइट ही लिए, कहाँ से लिए सब कुछ उसमें बताऊंगी। बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, बहुत ही कम प्राइस के अंदर।
अभी मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको छत पर लेकर चलूंगी मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाने के लिए, ठीक है। उस दिन जब मैंने एक वीडियो में शेयर किया था ना, किसी ने बोला था कि दी अच्छे से बताना आप पूरा इसके बारे में, क्योंकि उस वक्त है ना सनसेट हो रहा था, तो उसकी रोशनी की वजह से ना वो मेहरानगढ़ फोर्ट जो है फोर्ट नज़र नहीं आ रहा था अच्छे से। तो अभी मैं जाऊंगी फिर ऊपर छत पे, तब आपको लेके चलती हूँ और आपको दिखाऊंगी, ठीक है, पूरा बताऊंगी, एक्सप्लेन करके। अभी खाना खा लेती हूँ जल्दी जल्दी फिर। तो चलिए लंच हो चुका है और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ छत पर, आपको दिखाती हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट अच्छे से क्लियरली, ठीक है। चलो सिस्टर अभी वॉश कर रही है, कपड़े धो रही है और सब लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। मैंने अपना सारा काम कर लिया है, अब मैं चलती हूँ छत पे, लेकिन मुझे अपना हेयर को बांधना पड़ेगा क्योंकि आसमान के नीचे आपको खुले बाल नहीं जाना चाहिए। आसमान के नीचे आप खुले बाल नहीं जाएंगे, ओके। तो हम लोग अपने बाल को कर लेते हैं टाई। देखो हमारे यहाँ पर कितनी तेज धूप आती है, इसलिए मैं दिन में ना कोई भी पैक और बहुत ही आराम से लगा पाती हूँ, क्योंकि इतनी तेज होती है ना धूप। चलिए, ओ माय गॉड, ये रहा हमारा मेहरानगढ़ फोर्ट, ठीक है। अभी भी वैसा ही नज़र आ रहा है यार, धूप अभी भी यहीं पर है ना। ये देखिए, किसने बोला था पास से दिखाना दीदी, ये लो भैया जी पास से देखो जी, ये है हमारा मेहरानगढ़ पूरा फोर्ट अच्छे से। एंड इधर से आता है कुछ अलग व्यू, पता है हम लोग जब मेहरानगढ़ फोर्ट जाते हैं ना ऊपर, आपको मैं दिखाती हूँ सबसे ऊपर, यानी कि आप वहाँ पर जब देखेंगे ना वो जो लाइंस, ये आपको दिख रहा है ना ऊपर की साइड में जो पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं सामने, है ना इतने सारे, यहाँ से जो आप देखोगे वो एक टावर दिख रहा है, वो टावर वाला हिस्सा नहीं, वहाँ थोड़ी ना ज्यादा है, मन लोग इधर से देख सकते हैं ऊपर वो छत है ना वहाँ पर। हाँ, इधर से आप वो व्हाइट पट्टी नहीं जा रही है, सीढ़ी है वहाँ पे, रास्ता है वो। हाँ सीढ़ी है ना उधर, यहाँ से जब हम लोग वहाँ ऊपर जाकर देखते हैं ना, तो पूरा जोधपुर नजर आता है, पूरा जोधपुर नजर आता है, इतने छोटे छोटे मकान दिखते हैं। कभी उधर जाऊंगी ना मैं, व्लॉग करूंगी आप लोगों के लिए, तो आपको जरूर दिखाऊंगी वहाँ ऊपर से, ठीक है। व्हाइट पट्टी है ना ये, हाँ, और इधर ये जो आपको सामने व्हाइट पट्टी दिख रही है ना, ये वाली, ये इधर आई थिंक सीढ़ियाँ बना दी क्या, ये घाटी थी ना पहले, तो अपन नहीं, ये घाटी है, घाटी है ये इधर, तो ये पहले तो दीवार तो नहीं दिखती थी अपने को, तो यहाँ अपन यहाँ छत से कहाँ दिखती थी दीवार, अब तो दिख रही है वो पूरी एकदम क्लियर दिख रही है ना, बनाई थी बुलडोजर है, तो ये अभी बनी है, ये न्यू है ना, जो व्हाइट कलर की आपको दिख रही है वो घाटी से मतलब जाते हैं ऊपर, ऊंचाई है ना, चढ़ाई के ऊपर है, तो फिर वो ये है ना अभी बनी है आई थिंक। तो ये हमारा है मेहरानगढ़ फोर्ट, आपको कभी अंदर से दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो अब अपन चलते हैं आगे, यहाँ से कितना क्लियर दिख रहा है, वो आपको दोनों पेड़ के बीच में नजर आ रहा है ना, ये है उम्मेद पैलेस, जो हमारे यहाँ के जो गजय सिंह जी राजा नहीं है, जो मेहरानगढ़ जो फोर्ट है जिनका, उन्हीं का ये है उम्मेद पैलेस नाम से फेमस है। एंड यहाँ पर पता है आपको उनकी शादी हुई थी, प्रियंका चोपड़ा है ना, प्रियंका चोपड़ा सेलिब्रिटी, उन्होंने अपनी शादी यहीं पर करी थी आकर उम्मेद पैलेस में। तो ये है, इतना जूम हो रहा है बस इतना ही नज़र आएगा, बहुत ही शानदार है ये भी, कभी उधर जाना होगा तो आपको दिखाऊंगी मैं। एक तो हमारे यहाँ पर ये फेमस है, एक मेहरानगढ़ फोर्ट है, हिस्टोरिकल जो पैलेस हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं। एंड वो घंटाघर कहाँ है, घंटाघर भी बहुत फेमस है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ घंटाघर। वो रहा, ये उस दिन मैंने दिखाया था ना जब हम लोग अपने वो क्या बोलते हैं 100 के कंप्लीट होने पर, जब सिस्टर और मैं जा रही थी ना मार्केट शॉपिंग करने, तब मैंने आपको दिखाया था आई थिंक, है ना। तो ये वाला घर से दिखता है, ये जो टंकी है ना, टंकी के जस्ट पास में थोड़ा सा नज़र आ रही है, तो वो घंटाघर है, क्लॉक टावर, ये क्लॉक टावर है, ठीक है। तो घर से अभी फ़िलहाल तो ये चीज़ें नज़र आती है, बहुत तेज धूप है, बहुत 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 तेज वाली धूप। नहीं यहाँ से नहीं दिखता क्योंकि ये अपना पेड़ आ गया ना सामने, इसकी पेड़ की वजह से है ना, इसके पीछे की तरफ है वो। एक और है छित्तर पैलेस, नहीं हाँ छित्तर पैलेस ही है उसका नाम, कभी खा। तो ये है, ये देखिए इधर से भी नजर आ रहा है ना, ये
देखिए मैं इसको बोल रही हूँ चाय के लिए, ये चाय नहीं बना रही। इधर देखिए, सामने नहीं देख रही, कह रही है नहीं मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, और मैं इसको चाय का बोल रही हूँ, बना नहीं रही। इसको बोलो ना, आप लोग बोलो इसको चाय बना के पिलाए, मुझे अदरक अदरक वाली चाय बनाना। ये लड़की लड़की इधर देख, इधर देख, चलो इसका हाथ हटाओ, हाथ हटाओ इसका, जबरदस्त कैमरे के सामने भी देखो। ले चलिए नीचे चल के चाय बनाते हैं यार, चाय पीने का बहुत मन में आ रही है, क्या टाइम हो रहा है, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं गर्मा गर्म, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख रहे हैं, मैं शॉपिंग के लिए चली गई थी 1-2 घंटे के लिए, एंड मुझे प्लांट लेना था। मुझे प्लांट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे इसको रेडी करने के लिए फिर पॉट्स भी दिख गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे पॉट, तो मैंने फ़िलहाल 2 ही लिए। लेकिन फिर घर आने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा क्यों ना मैं ज़्यादा लेकर आ जाती, 5-6 लेकर आने थे मुझे, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर जाऊंगी। और यहाँ पर मिट्टी वगैरह सब घर पे थी, तो मैंने अच्छे से इसको इसमें डालकर और फिर रेडी कर लिया है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो फिर पार्सल आ गया था पर्पल से, बिकॉज मैंने ऑर्डर किए थे अपने जो शावर जेल है वो मंगाए थे, एंड जो मॉइस्चराइज़र क्रीम है ना वो भी ख़त्म हो चुके थे, तो वो मैंने ऑर्डर किया था, बिकॉज़ मैं लास्ट जो मैंने ईयर जो यूज़ किया था सेफ्रॉन वाला गुड वाइब्स का, वो बहुत ही अमेजिंग था, तो वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने 3 ऑर्डर किए थे। एंड आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो बताना, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी क्या क्या चीज़ें मैंने मंगाई है, ठीक है। और ये शावर जेल है, ये एक ऑरेंज का मंगाया था और एक रोज़ का, पता है ये रिफ़िल आने लग गई है, तो अब आपको है ना पूरा बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास खाली बॉटल पड़ी है ना तो आप सिर्फ रिफ़िल मंगा लीजिए, थोड़ा सा आपको रेट भी कम लगती है, और बस उसको वापस से फिल कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इतने सारे हमारे पास बॉटल्स है वो खाली रहती है और उसको फिर आप क्या करोगे, इसलिए तो इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक रोज़ का है एंड एक ऑरेंज का है, ये बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोग नॉर्मल अगर साबुन यूज़ करते हैं तो आप एक बार ट्राई करके देखना, शावर जेल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बस यही फिल कर रही थी मैं, एंड यहाँ पर जो पॉट हैं उसको मैं रेडी कर रही थी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपने रूम में ही लगाए हैं, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी मैं, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये व्लॉग पसंद आया होगा, एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इसके बाद का जो पार्ट है ना उसको रख दिया है, तो आपके साथ मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में शेयर कर दूंगी, ठीक है। एंड अगर आपको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मेरे, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चिश ब्यूटी भी और चिश ब्यूटी व्लॉग्स को भी, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना और लाइक्स करके जाना, बाय बाय।